हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता में जो हमारा अबेटमेंट हम कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे सेक्शन नंबर 49 से। सेक्शन नंबर 48 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हैं। बात करते हैं आज सेक्शन नंबर 49 से। सेक्शन नंबर 49, अब देखो यहाँ से जो सेक्शंस हैं आपके अबेटमेंट के वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम एक एक सेक्शन इलस्ट्रेशन के साथ कवर करेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट। तो सबसे पहले मार्जिनल हेडिंग समझना जरूरी है। कह रहा है कि अबेटमेंट की पनिशमेंट तो दे दी जा रही है यहाँ पर, बताया अबेटमेंट की पनिशमेंट बताई गई है कि अबेटमेंट की पनिशमेंट क्या होगी अगर जो एक्ट अबेट किया हुआ है वो कमिट भी हो गया, ठीक है। जो एक्ट अबेट किया गया है वो कमिट भी हो गया और उस पर्टिकुलर मान लो मर्डर किया, ठीक है। अब मर्डर के अबेटमेंट की अगर सजा नहीं दे रखी है तो सेक्शन नंबर 49 के हिसाब से काम किया जाएगा, ठीक है। अब किस तरीके से वो होगा वो देखते हैं। क्या लिखा है, हूएवर अबेट्स एनी ऑफेंस शैल इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस। जो एक्ट अबेट किया वो कमिट भी हो गया इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट अबेटमेंट। कॉन्सिक्वेंस का मतलब है कि इन द रिजल्ट ऑफ दैट अबेटमेंट एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय दिस संहिता। और इस संहिता के में कोई ऐसा एक्सप्रेस प्रोविजन जो है नहीं बना रखा है कि अबेटमेंट की क्या पनिशमेंट होगी। फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अबेटमेंट बी पनिश विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। तो ये सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेक्शन में हमें पता चला कि क्या पनिशमेंट होगी अबेटमेंट की। तो जो पनिशमेंट प्रोवाइड कर रखी है ऑफेंस के लिए वही पनिशमेंट होगी। अब जो अबेटर है उसको भी वही सेम पनिशमेंट मिलेगी। एक्सप्लेनेशन सेज एन एक्ट और ऑफेंस इज सेट टू बी कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट। हम किसी भी एक्ट या ऑफेंस को कब हम कहेंगे कि वो कमिट हुआ है अबेटमेंट के रिजल्ट में, अबेटमेंट कॉन्सिक्वेंस में, जब वेन इट इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंस्टिगेशन। ऑब्वियसली तीन वेज है हमारे पास अबेटमेंट के, तो जब इंस्टिगेशन से वो एक्ट कमिट हुआ, कॉन्स्पिरेसी से वो एक्ट कमिट हुआ, या फिर एडिंग से वो एक्ट कमिट हुआ, तो हम कहेंगे कि एक्ट कमिट हुआ है बाय अबेटमेंट। तो ये बात आपको याद रखनी है। एक सेकेंड, आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर। अच्छा पहले इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए इंस्टिगेट्स बी टू गिव फॉल्स एविडेंस। ए ने बी को इंस्टिगेट किया फॉल्स एविडेंस देने के लिए। बी इंस्टिगेशन कॉन्सिक्वेंस में उसने वो ऑफेंस कमिट कर दिया, फॉल्स एविडेंस दे दिया, तो ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग दैट ऑफेंस एंड इज लाइबल टू द सेम पनिशमेंट एज बी। अब जब आप फॉल्स एविडेंस पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि फॉल्स एविडेंस के अबेटमेंट के लिए कोई भी एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया हुआ है संहिता में। तो इसी वजह से इन्होंने कहा कि ए गिल्टी तो है आप ऑफेंस को अबेट करने के लिए इंस्टिगेशन के थ्रू, और उसको सेम पनिशमेंट मिलेगी जो बी को मिलेगी। बी को अगर पनिशमेंट मिल रही है फॉल्स एविडेंस को प्रोड्यूस करने के लिए, फॉल्स एविडेंस देने के लिए, तो ए को भी वही सेम पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। फिर वही सेम चीज़, वही उस तरीके का एग्जाम्पल यहाँ पर है। ये कॉन्स्पिरेसी का एग्जाम्पल है, तो इसको एक बार अपने हिसाब से पढ़ लेना, कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं है जो नहीं समझ में आएगा। अगर देखो अगर प्रोविजन समझ में आ गया है तो बहुत आसानी से इलस्ट्रेशन भी समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 50 पे। सेक्शन नंबर 50 का मार्जिनल हेडिंग क्या कह रहा है, कह रहा है कि पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड डज एक्ट विद अ डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ अबेटर। यानी कि जो अबेटर है उसका इंटेंशन अलग है, और जो एक्ट अबेट कर रहा है, जो एक्ट कर रहा है, जो ऑफेंस कमिट कर रहा है, उसका इंटेंशन अलग है, दोनों का इंटेंशन डिफरेंट है, तब क्या होगा। सो हूएवर अबेट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस शैल इफ द पर्सन अबेटेड डज द एक्ट विद अ डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज। जो पर्सन है, जो पर्सन अब इस पर्सन को अबेट किया गया है वो डिफरेंट इंटेंशन या डिफरेंट नॉलेज से वो एक्ट कर रहा है, अबेटर से डिफरेंट है। बी पनिश्ड विद पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस व्हिच वुड हैव बीन कमिटेड If the act had been done with the intention knowledge of that of abettor and with no other, तो उसको उस हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी। फिर सेक्शन नंबर 51 क्या कह रहा है, सेक्शन नंबर 51 says liability of abettor when one act abettor and different act done। अब इन्होंने abet तो किया मर्डर के लिए, लेकिन दूसरा एक्ट कमिट हो गया रेप का, ठीक है। एक्ट अबेट किया गया मर्डर के लिए और डिफरेंट एक्ट कमिट हो गया रेप का, एक्ट कमिट हो गया। देखो कैसे पढ़ते, When an act is abetted and a different act is done, the abettor is liable for the act done in the same manner and to the same extent as if he had directly abetted it. जब एक्ट अबेट किया गया और दूसरा एक्ट किया गया, इसको ऐसे मत समझो, ये मर्डर और रेप दोनों ही बहुत ही अलग अलग चीजें हो जाएंगी। आप ऐसे समझ लो
मान लो इन्होंने ग्रीवियस हर्ट मान लो, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी इलस्ट्रेशन याद आया है, उससे बहुत ही अलग से चला जाता है वो क्वेश्चन, गलत हो जाएगा आप लोगों का। मान लो उसने ग्रीवियस हर्ट करने के लिए अबेट किया और डिफरेंट एक्ट हो गया मर्डर, ठीक है, डिफरेंट एक्ट हो गया मर्डर। बहुत सारी चीजें लगती हैं, देखो हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से समझना पड़ता है, तब आप कोई इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या कोई जो आपका आजकल ट्रेंड है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब अच्छे से एक एक प्रोविजन को पढ़ा हो और उसके इलस्ट्रेशन देखे हो। इलस्ट्रेशन आई गेस सेक्शन 51 के इलस्ट्रेशन है। देखो जब कोई एक्ट एबेट किया गया और एक डिफरेंट एक्ट हो गया, एक्ट कौन सा अबेट किया गया हमारे एग्जाम्पल में, ग्रीवियस हर्ट, और एक्ट हो कौन सा गया मर्डर। द अबेटर इज लाइबल फॉर द एक्ट डन, तो जो एक्ट हो गया उस एक्ट के लिए अबेटर लाइबल होगा, यानी कि अबेटर मर्डर के लिए लाइबल होगा। इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट एज इफ ही हैड डायरेक्टली अबेटेड इट, उसी मैनर में जिस हिसाब से ऐसा ही माना जाएगा कि इसने मर्डर के लिए ही अबेट किया गया, इसने मर्डर के लिए ही अबेट किया था, ना कि ग्रीवियस हर्ट के लिए। प्रोवाइडेड दैट द एक्ट डन वाज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट अबेटमेंट। देखो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस होना जरूरी है। अब यहाँ पे प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस का क्या मतलब है। देखिए बात समझिए, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस का मतलब है कोई प्रोबेबिलिटी। जैसे कि जब एबेटर ने अबेट किया ग्रीवियस हर्ट करने के लिए, तो उसे कहीं ना कहीं पता था कि अगर ग्रीवियस हर्ट वो करने के लिए कह रहा है तो मर्डर हो जाना एक लाजमी सी बात है, कि भाई 5% चांसेस है कि मर्डर हो जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं नॉलेज थी इस बात की, नॉलेज थी या कहीं प्रोबेबिलिटी थी आपके दिमाग में इस बात की कि भाई अगर ये बंदा ग्रीवियस हर्ट कॉज करने गया है तो हो सकता है कि मर्डर भी हो जाए उससे। तो यही बात यहां पर कह रहा है सेक्शन नंबर 51 में कि प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए उस एक्ट डन का। अगर प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है तब तो जो है हम मानेंगे कि हाँ अबेटर ने मतलब अबेटर लाइबल होगा, लेकिन अगर प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं है तो अबेटर लाइबल नहीं होगा। क्यों मैंने यहाँ पर पहले मर्डर लिखा था और यहाँ पर रेप लिखा था, क्यों मैंने हटा दिया, वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस की वजह से। क्योंकि अब तुमको भेजा गया मर्डर करने के लिए किसी ए पर्सन को, किसी एक पर्सन को भेजा गया मर्डर करने के लिए, अब वो वहां पर रेप करके चला चले आया किसी लड़की का, तो ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं है ना। अब ये चीज अबेटर को तो नहीं पता कि तुम्हें मर्डर के लिए भेजा तो तुम रेप करके चले आओगे, तो ये प्रोबेबिलिटी में नहीं आ रहा है। ये बेसिकली जो अबेटर है ये इस चीज को फोर्सी नहीं कर सकता, ही कैन नॉट फोर्सी कि मर्डर के लिए भेजा गया तो रेप करके आ जाएगा। लेकिन फोर्सी ये चीज तो कर सकता है कि ग्रीवियस हर्ट के लिए भेजा गया है तो हो सकता है कि मर्डर हो जाए, तो ये तो फोर्सी कर सकता है, तो ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस में फॉल कर रहा है। इस वजह से यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइजो ऐड करा हुआ है कि प्रोवाइड द एक्ट डन वाज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट एंड वाज कमिटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंस्टिगेशन, इंस्टिगेशन के इन्फ्लुएंस में होना चाहिए, एड में होना चाहिए, पर्सन्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी व्हिच कॉन्स्टिट्यूटेड अबेटमेंट। तो ये तो समझ में आ गया, ऊपर भी वही बात करी गई थी कि अबेटमेंट किस तरीके से हो रहा है, तो वो समझने वाली बात हमारी यहां से थी, प्रोवाइडेड द एक्ट वाज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस। ठीक है आगे बढ़ते हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं इसके। क्या इलस्ट्रेशन दिए हैं, ए इंस्टिगेट्स अ चाइल्ड टू पुट पॉइजन इनटू द फूड ऑफ जेड। ए ने किसी बच्चे को इंस्टिगेट किया कि जेड के फूड में पॉइजन डाल दो, एंड गिव्स हिम पॉइजन फॉर दैट पर्पज, और उसको पॉइजन दे भी दिया उस पर्पज के लिए। द चाइल्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन बाय मिस्टेक पुट्स द पॉइजन इनटू द फूड ऑफ वाई, लेकिन उसने जो है गलती से बच्चे ने क्या किया, वाई के फूड में पॉइजन डाल दिया विच इज बाय द साइड ऑफ दैट सेट। ठीक है, हियर इफ इफ द चाइल्ड वाज एक्टिंग अंडर एज इंस्टिगेशन, इन्फ्लुएंस ऑफ एज इंस्टिगेशन, एंड द एक्ट डन वाज अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, अगर ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस में है तो ए सेम मैनर में लाइबल होगा जैसे कि उसने इंस्टिगेट किया था वाई के फूड में पॉइजन डालने के लिए। ये इस लाइन का मतलब ये, विच इज मतलब कि वाई और जेड साथ साथ बैठे हुए हैं, एक साइड पे बैठे हुए हैं, तो वो चीज है, उसने गलती से जेड के फूड में डालने के बजाय वाई के फूड में डाल दिया, तो इस वजह से ये जो गलती हुई है ए जो हमारा बेटर है उसके लिए भी लाइबल होगा। ठीक, फिर उसके बाद बी पे आओ, ए इंस्टिगेट्स बी टू बर्न जेड हाउस, ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि जेड का हाउस जो है वो जला जला दो, बी सेट्स फायर टू द हाउस एंड एट द सेम टाइम कमिट्स थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी देयर। अभी एग्जाम्पल ध्यान से सुना, ये कई बार पूछा गया एग्जाम्पल है। अब ये जलाने के लिए तो इनको भेजा, वहां पर वो थेफ्ट भी करा है प्रॉपर्टी में। ए दो गिल्टी ऑफ अबेटिंग द बर्निंग ऑफ हाउस इज नॉट गिल्टी ऑफ अबेटिंग द थेफ्ट, क्योंकि थेफ्ट एक डिस्टिंक्ट एक्ट हो गया और एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं है बर्निंग का। इसीलिए मैंने आपको मर्डर और रेप के बारे में समझाया,
ग्रीवियस होटल मर्डर के बारे में समझाया, वही सेम एग्जाम्पल अगर आप इस तरीके से ले लो कि तुमको भेजा वहां घर जलाने के लिए, अब ये चीज ए फोर्स ही नहीं कर सकता था, या एक ये एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं था बर्निंग का कि थेफ्ट भी वो बंदा वहां पे जाकर के कमिट कराएगा। तो अबेटिंग के लिए, बर्निंग ऑफ हाउस के अबेटिंग के लिए तो लाइबल है ए, लेकिन थेफ्ट के लिए लाइबल नहीं है, तो ये बात याद रखनी है। फिर उसके बाद सी इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है, ए इंस्टिगेट्स बी एंड सी टू ब्रेक इनटू एन इनहैबिटेड हाउस एट मिडनाइट फॉर द पर्पस ऑफ रॉबरी। ए ने बी और सी को इंस्टिगेट किया कि किसी हाउस में, इनहैबिटेड हाउस में रॉबरी के लिए जाने को, ठीक है, एंड प्रोवाइड्स देम विद आर्म्स आर्म्स फॉर दैट पर्पस, आर्म्स के साथ मतलब भेजा होगा नाइफ वगैरह हो सकता है। बी एंड सी ब्रेक इन टू द हाउस एंड बींग रेजिस्टेड बाय जेड्स वन ऑफ द इनमेट्स, कोई जेड बंदा है, उन्होंने उनको रेजिस्ट किया, मतलब अंदर जाने से मना किया, हाथापाई टाइप की हुई। वन ऑफ द इनमेट्स इनमेट्स यानी कि बी और सी में से कोई एक मर्डर कर देता है जेड का। हियर इफ दैट मर्डर वॉज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट, ए इज लाइबल फॉर टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर मर्डर। तो अगर ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है कि अबेटमेंट का, तो मर्डर हो सकता है, ए जो सॉरी सॉरी ए लाइबल हो सकता है पनिशमेंट के लिए, ठीक है। अब देखो ये भी एक स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई रेजिस्ट करेगा तो हो सकता है कि डेथ कॉज कर दे, हो सकता है कि मर्डर हो जाए, तो ऐसे में सजा मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो है कम्प्लीटली अलग बात हो गई थी, जैसे मर्डर और रेप का मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दिया, वहां पे कम्प्लीटली अलग बात हो गई, वहां पे जो हमारा बेटर है वो इस चीज को फोर्स ही नहीं कर सकता। लेकिन अब यहाँ पर जब दो लोगों को तुमने भेजा है एक ड्वेलिंग हाउस में रॉबरी कमिट करने के लिए, तो और वो भी आर्म्स के साथ भेजा है, तो हो सकता है कि जब कोई बंदा सामने से रेजिस्ट करे तो उसका मर्डर कॉज हो जाए, तो एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है उस अबेटमेंट का, इस वजह से ए भी यहाँ पर लाइबल होगा पनिशमेंट के लिए मर्डर की। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 52 कह रहा है, अबेटर व्हेन लाइबल टू क्यूमुलेटिव पनिशमेंट फॉर द एक्ट अबेटेड एंड फॉर एक्ट डन, कह रहा है इफ द एक्ट फॉर विच द अबेटर इज लाइबल अंडर सेक्शन 51 इज काउंटेड इन एडिशन टू द एक्ट अबेटेड एंड कॉन्स्टिट्यूट अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस, द अबेटर इज लाइबल टू पनिशमेंट फॉर ईच ऑफ द ऑफेंसेस। कैसे, इलस्ट्रेशन देखते हैं, ए इंस्टिगेट्स बी टू रेजिस्ट बाय फोर्स अ डिस्ट्रेस मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट, रेजिस्ट करने के लिए कहा बी को, जो भी फोर्स वगैरह यूज करने के लिए बोला, ठीक है। बी इन कॉन्सिक्वेंस रेजिस्ट दैट डिस्ट्रेस, बी जो है इसके रिजल्ट में उस डिस्ट्रेस को जो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा मचाई गई थी उसको रेजिस्ट करने लगता है। इन ऑफरिंग द रेजिस्टेंस बी वॉलंटरी कॉजेस ग्रीवियस हर्ट टू द ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग द डिस्ट्रेस, बी ने वॉलंटरी ग्रीवियस हर्ट भी कॉज कर दिया, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट को। एज बी हैज कमिटेड बोथ द ऑफेंस ऑफ रेजिस्टिंग द डिस्ट्रेस, अब यहां पर बी ने ऑफेंस किया रेजिस्ट करने के लिए, भाई पब्लिक सर्वेंट को रेजिस्ट किया, ठीक है, एंड ऑफेंस ऑफ वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, और ग्रीवियस हर्ट का भी ऑफेंस किया, बी इज लाइबल टू द पनिशमेंट फॉर बोथ ऑफ दीज ऑफेंसेस, तो बी दोनों ऑफेंसेस के लिए लाइबल है। एंड इफ ए न्यू दैट बी वॉज लाइकली वॉलंटरली कॉजिंग टू ग्रीवियस हर्ट टू इन रेजिस्टिंग द डिस्ट्रेस, और अगर ए को इस बात का नॉलेज था, इस बात का ज्ञान था कि बी जो है वॉलंटरी ग्रीवियस हर्ट कॉज कर सकता है, तो ए जो है विल ऑल्सो बी लाइबल टू पनिशमेंट फॉर ईच ऑफ द ऑफेंसेस। तो जिस तरीके से बी को दोनों ऑफेंसेस की सजा मिली है, उसको डिस्ट्रेस कॉज करने के लिए पब्लिक सर्वेंट को और ग्रीवियस हर्ट कॉज करने के लिए, सेम जो है ए को भी पनिशमेंट मिलेगी, ठीक। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 53 क्या कह रहा है, सेक्शन नंबर 53 कह रहा है, लाइबिलिटी ऑफ अबेटर फॉर एन इफेक्ट कॉज्ड बाय एन एक्ट डन अबेटेड डिफरेंट फ्रॉम इंटेंडेड बाय अबेटर। सो व्हेन एन एक्ट इज अबेटेड विद द इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द अबेटर ऑफ कॉजिंग अ पर्टिकुलर इफेक्ट एंड एन एक्ट फॉर विच द अबेटर इज लाइबल इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट causes a different effect from that intended by the abettor. Different effect अगर cause कर रहा है, the abettor is liable for the effect caused. तो abettor liable होगा जो भी effect cause किया गया है उसके लिए, ठीक। In the same manner इसी तरीके से liable होगा जैसे कि उसने intent किया था ऐसा effect cause करने के लिए, provided he knew that the act abetted was likely to cause that effect. लेकिन provided भी यहाँ पर दिया हुआ है कि उसको इस बात का knowledge होना चाहिए कि जो एक्ट वो अबेट कर रहा है उससे हो सकता है कि ये इफेक्ट हो जाए, ठीक है। जैसे कि वो वाला था आपका, इससे पहले हम लोगों ने कौन सा भी एग्जाम्पल देखा, ये वाला सी वाला एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, इलस्ट्रेशन ने देखा, जैसे कि इस तरीके का काम है, ठीक है। ए इंस्टिगेट्स बी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट टू जेड, ए ने इंस्टिगेट किया बी को ग्रीवियस हर्ट कॉज करने के लिए जेड को, ठीक। बी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन कॉजेस ग्रीवियस हर्ट टू जेड,
ग्रीवियस हॉट उसने कॉज किया, जेड का जो है, जेड डाइज इन कॉन्सिक्वेंस, इसके रिजल्ट में जेड की मृत्यु हो गई। हियर इफ ए न्यू दैट द ग्रीवियस हॉट अबेटेड वाज लाइकली टू कॉज डेथ, यहाँ पर अगर ए को इस बात का नॉलेज है और वो ये बात अगर नॉलेज वाली बात अगर प्रूव हो जाती है कि ए को इस बात का नॉलेज था कि ग्रीवियस हर्ट तो जो ये कॉज कर रहा है इससे डेथ भी कॉज हो सकती है, तो ए लाइबल होगा पनिशमेंट के लिए जो कि पनिशमेंट प्रोवाइडेड है फॉर मर्डर। तो वही ये चीज यहाँ पर कह रहा है कि अबेटर भले ही जो है डिफरेंट एक्ट के लिए इंटेंट किया हो, लेकिन अगर डिफरेंट एक्ट कमिट हो गया है तो सेम एक्सटेंट में और सेम मैनर में उसको लाइबल किया जाएगा, बस बशर्ते उसको नॉलेज होनी चाहिए इस बात की कि ये इफेक्ट इसका इस तरीके से हो सकता है। ग्रीवियस हर्ट है अगर, तो उसका मर्डर भी इफेक्ट हो सकता है। देन सेक्शन नंबर 54, सेक्शन नंबर 54 सेज अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड, ये भी सेक्शन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। वेन एवर एनी पर्सन हु इज एबसेंट वुड बी लाइबल टू बी पनिश्ड एज एन अबेटर, कोई पर्सन अबेट कर रहा है कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट हो, अगर वो एबसेंट भी है तो भी वो लाइबल है पनिश होने के लिए। और अगर इस प्रेजेंट वेन द एक्ट और ऑफेंस ऑफ फॉर विच ही वुड बी पनिशेबल इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ऑफेंस इज अबेटमेंट, सॉरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट इज कमिटेड, ही शैल बी डीम टू हैव कमिटेड सच एक्ट और ऑफेंस। देखो एबसेंट है तो उसको पनिश किया जाएगा, वो तो एक अलग की बात है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर वो प्रेजेंट है जब वो ऑफेंस हो रहा है उस जगह पर, अगर अबेटर प्रेजेंट है तो उसको यही माना जाएगा कि उसने वो ऑफेंस कमिट किया है, ठीक, ये बताया सेक्शन नंबर 54 में। फिर आओ सेक्शन नंबर 55 पे। सेक्शन नंबर 55 सेज अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, हूएवर अबेट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, अगर अबेटर ने एक ऐसा ऑफेंस के कमीशन के लिए अबेट किया है जो कि डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से उसकी पनिशमेंट है, शैल इफ दैट ऑफेंस नॉट कमिटेड, अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट अबेटमेंट और उसके लिए कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया हुआ है उस पनिशमेंट उसकी पनिशमेंट के लिए, बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, तो 7 ईयर्स से पनिशेबल होगा अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है तो 7 ईयर से पनिशेबल होगा और फाइन के लिए भी लाइबल होगा, ठीक है। ये तो एक बात हो गई पहली बात। दूसरी बात, इफ एनी एक्ट फॉर विच द अबेटर इज लाइबल इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट एंड विच कॉजेज हर्ट टू एनी पर्सन, और अगर हर्ट कॉज हो गया, अभी तो कहा कि कुछ नहीं हुआ तो 7 ईयर्स और प्लस फाइन, और अगर हर्ट कॉज हो गया तो अबेटर शैल बी लाइबल टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 14 ईयर्स, तो 14 ईयर्स तक की सजा है एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, फाइन के लिए भी लाइबल होंगे। तो दो बातें यहाँ पर बताई सेक्शन नंबर 55 में, क्या बात बताई, दो बातें बताई कि अगर ऑफेंस कमिट नहीं किया गया है तो 7 ईयर्स तक की पनिशमेंट है और फाइन के लिए भी लाइबल होंगे, लेकिन अब उस अबेटर के कॉन्सिक्वेंस मतलब सॉरी उस अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में अगर हर्ट कॉज हो गया, हर्ट कॉज हो गया किसी बंदे को, तो 14 साल की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और फाइन के लिए तो लाइबल होंगे ही होंगे, ठीक। इलस्ट्रेशन देखते हैं, ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर जेड, ए ने इंस्टिगेट किया जेड को मर्डर करने के लिए, तो ऑफेंस इज नॉट कमिटेड, ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, लेकिन इफ बी हैड मर्डर्ड जेड ही वुड हैव बीन सब्जेक्ट टू द पनिशमेंट ऑफ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, अगर बी ने जो है मर्डर कर दिया होता तो उसका जो पनिशमेंट होती वो क्या होती, डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। देयरफॉर ए इज लाइबल फॉर अ टर्म ऑफ व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स एंड ऑल्सो लाइबल एंड ऑल्सो टू अ फाइन एंड इफ एनी हर्ट बी डन टू जेड इन, देखो ये जो ए इज लाइबल, अगर ऑफेंस नहीं कमिट हुआ है तो कह रहा है ए लाइबल होगा फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स एंड प्लस फाइन, ठीक, अगर ऑफेंस नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई हर्ट कॉज हो गया है जेड को, अगर कोई हर्ट कॉज हो गया है जेड को उस एबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में, तो 14 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और फाइन भी लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ सेक्शन, अब सेक्शन नंबर 56 से हम अपना नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों को ये सारे सेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, अगर कोई प्रॉब्लम है कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।